दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का जब से ट्रेलर सामने आया है तभी से फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है। कंगना का योद्धा अवतार देखकर हर कोई दीवाना हो गया है। वहीं हाल ही में कंगना ने अपनी इस फिल्म को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हाल ही में कंगना फैशन डिजाइनर नीता लूला की क्रिसमस पार्टी में पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया। वहीं जब उनसे उनकी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जो लोग कुछ भी कहते हैं, लोग सो आई थिंक उनके जो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे उनके मुंह तो बंद ही होने चाहिए, राइट? जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई फील। तो देखा आपने, कंगना ने पहले ही लोगों को वार्न कर दिया है कि अगर आप इस फिल्म को लेकर कुछ गलत बोलना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप चुप ही रहे। वहीं ये तो हर कोई जानता है कि कंगना ने इस फिल्म का 70% डायरेक्शन खुद किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वेल दैट्स द टीम वर्क। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग था, लेकिन मुझे लगा कि यू नो एज अ वोमन आई कुड डू जस्टिस एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर। सो यही शायद भगवान की भी मर्जी थी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग बोथ द रोल्स। इतना ही नहीं, इसी दौरान कंगना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का भी खुलासा किया। नहीं, राइटर्स तो बहुत अच्छे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद इज राइटिंग माई नेक्स्ट फिल्म। Yeah, so Mr. Vijendra Prasad is writing my next film also, so we are in talks with him. बता दें, मणिकर्णिका को लेकर काफी विवाद हुआ था। पहले सोनू सूद ने इस फिल्म से किनारा किया, उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर कृष ने भी कुछ वजहों से इस फिल्म को छोड़ दिया था। बता दें, इस फिल्म में कंगना के अलावा अंकिता लोखंडे, अमित बहल, सुरेश ओबेरॉय, डैनी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। और 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 25 जनवरी को थिएटर्स पर दस्तक देगी। इस फिल्म में आपको रानी लक्ष्मीबाई के शुरुआती दिनों से लेकर अंग्रेजों से लोहा लेने तक की कहानी दिखाई गई है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।